है आपका बन्ना फूडी किचन में। आज मैं लेके आई हूँ अरबी की बहुत ही टेस्टी सब्जी, जो शायद आपने पहले इस तरह से बनाकर बिल्कुल भी नहीं खाई होगी। बहुत ही यम्मी लगती है। चलिए तो देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। इसके लिए मैंने ली है अरबी 250 ग्राम, कटा हुआ हरा धनिया, 10 से 12 काली मिर्ची, 5-6 लौंग, 7-8 हरी मिर्ची कटी हुई, और अदरक के टुकड़े और लहसुन की कलियाँ। अब हम मिक्सर ग्राइंडर लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ और 7-8 हरी मिर्ची, लहसुन की डाल देंगे 7-8 कलियाँ, और अदरक के टुकड़े एक छोटा सा, छोटे छोटे कर लिए थे मैंने, और काली मिर्ची लौंग डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। मैं भूल गई तो बाद में डाला मैंने, तो अभी पेस्ट बनके तैयार है। अब हम लेंगे अरबी को, और अरबी को डाल देंगे हम कुकर में, और इसमें हम डालेंगे पानी, और डाल देंगे हम 1 चम्मच इसमें नमक। इससे ये थोड़ी मीठीपन होता है तो थोड़ा कम हो जाता है नमक डालने से पहले ही। तो अब हम 2-3 सीटी आने तक इसको बॉईल करेंगे। तो ये बॉईल हो गई है तो अब इनको हमने निकाल लिया है, और इनको हम सभी को इसी तरह से छील कर रख लेंगे। अब ये छील के तैयार हैं। तो अब हम पैन रखेंगे, पैन में डालेंगे 1 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल, और अरबी को डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और इसको हम थोड़े स्लो फ्राई करेंगे जब तक थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि इसे फ्राई करने से थोड़ी जल्दी पक जाती है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो देखिए अच्छे से थोड़ा फ्राई हो गई है, तो अब इनको हम साइड में रख देंगे। अब हम रखेंगे गैस पे कढ़ाई में डालेंगे हम 2 चम्मच सरसों का ऑयल, मैंने अंदाजन डाला है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच मैंने डाली है हींग, और थोड़ा सा लहसुन की कलियां बचा ली थी वो भी डाल दी हैं। अब इनको थोड़े से हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे लहसुन और सभी को। तो देखिए अभी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो अब इसमें हम डाल देंगे हम जो हमने पेस्ट बनाया था ग्रीन वाला चटनी का। देखिए अच्छे से इसको हम इसी तरह 2 मिनट तक पकाएंगे कि थोड़ा इसका कच्चापन चला जाएगा। तो इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। तो अब मसाला भी अच्छे से पक गया है, और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अरबी, और चलाएंगे अच्छे से। तो आप इस तरह से बनाइएगा। एक थोड़ी मिर्ची हरी इसमें ज़्यादा डालिएगा तभी इसका बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा पानी और डाल दिया, अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब्जी बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, चाहे इसे पूड़ी से खाइए, पराठे से खाइए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।